भाइयों बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, नया नारा चला है। अभी मैं आया तो लाइन में किसी ने कहा, पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे, याद है? अब नया नारा सुनिए, चौकीदार चौकीदार, मजा नहीं आया, चौकीदार। अच्छा, ये चौकीदार जो 5 साल में चोर बन गया, ये हुआ कैसे? पहले चौकीदार जी ने कहा था 56 इंच की छाती है, 56 इंच की छाती है, मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे चौकीदार बनाओ। चौकीदार बनाओगे 2 करोड़ युवाओं को, उन्नाव में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपए हक बैंक अकाउंट में। अच्छा, नाम क्या है आपका? हाँ, विवेक। विवेक जी, एक बात बताइए, चश्मा तो आपने बहुत अच्छा पहना है, मगर 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आए? नहीं आए ना। अच्छा, 5 रुपए आए? 5 रुपए भी नहीं आए ना। तो आपने कभी मोदी जी से पूछा, भैया 15 लाख चलो 5 रुपए के भी दिया? नहीं पूछा ना। अगली बार आएंगे पूछना। 2 करोड़ युवा को रोजगार नहीं दिया, 15 लाख रुपए के किलो नहीं दिए, किसान को सही दाम नहीं दिया, कर्जा माफ नहीं किया, तो मुझे बताइए भाइयों और बहनों, पिछले 5 सालों में चौकीदार ने किया क्या? अब मैंने सोचा कि चौकीदार ने हिंदुस्तान की प्यारी जनता को धोखा दिया, 15 लाख रुपए देने की बात की, और लोगों के दिल में ये बात उतरी थी कि शायद ऐसा भी दिन आएगा जब हमारी सरकार हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डालेगी। आज तो जगी थी, कुछ ही दिन बाद बीजेपी के लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो जुमला था। तो 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को, थिंक टैंक वालों को बुलाया, कहा भैया बैठिए जरा। उनसे मैंने एक सवाल पूछा, मैंने उनसे पूछा, देखिए मैं अगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट पर पैसा डालना चाहता हूं तो बिना अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए कितना पैसा डाला जा सकता है? वो कहते हैं, आपने कैसी बात कर दी, ऐसा तो किसी भी सरकार ने नहीं किया। मैंने कहा मुझे कुछ लेना देना नहीं है, किसी ने किया हो ना किया हो अलग बात है, मैं समझना चाहता हूं कितना पैसा, कितने रुपए हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार डाल सकती है। मुझे कहते हैं, आप जानते हो कितने लोग, कितने गरीब लोग हैं हिंदुस्तान में? मैंने पूछा बताओ कितने हैं? कहते हैं 25 करोड़ लोग हैं, 5 करोड़ परिवार। मैंने कहा बढ़िया, तो मैं 25 करोड़ लोगों को देना चाहता हूं, 5 करोड़ बैंक अकाउंट में मैं डालना चाहता हूं। अब आप मेरे साथ लंबी बहस मत करो, उनसे कहा मैंने, अब आप लंबी बहस मत करो, मुझे नंबर चाहिए। चौकीदार ने 15 लाख का नंबर दिया था, मुझे सच्चा नंबर चाहिए, एक नंबर, 5 करोड़ बैंक अकाउंट में मैं पैसा डालना चाहता हूं, मुझे आप नंबर दो। लंबा भाषण नहीं, मन की बात नहीं, स्पीच नहीं, नंबर, एक शब्द, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट नहीं करनी, जाइए जितना एनालिसिस करना है कर लीजिए, जिससे पूछना है पूछ लीजिए, वापस आइए तो नंबर लेके आइए। कुछ ही दिन पहले वापस आते हैं चिदंबरम जी, आते हैं कागज पे उन्होंने नंबर लिखा 72,000,
मैंने कहा एक सेकंड, 72,000 कितने समय में, 72,000 पांच साल में, 10 साल में, 15 साल में, 72,000 कितने लोगों को? मुझे कहते हैं राहुल जी 72,000 एक साल में 5 करोड़ लोगों को। मतलब नरेंद्र मोदी ने 15 लाख का झूठ बोला था ना, न्याय योजना 15 लाख रुपए नहीं डालेगी, मैं आपको सच्चाई बता दूंगा 15 लाख रुपए नहीं डालेगी न्याय योजना, मगर 5 साल के 3,60,000 रुपए 5 करोड़ बैंक अकाउंट में न्याय योजना डाल देगी। और उसमें से मैं आपको बताता हूं, इस भीड़ में लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि विवेक जी के बैंक अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये थोड़े मतलब इतने गरीब नहीं लगते हैं, मगर इस भीड़ में मुझे लोग दिख रहे हैं जिनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी 3,60,000 रुपए 5 साल के अंदर डालेगी। हर महीने 6,000 रुपए, साल के 72,000। तो मैंने उन्हीं इकोनॉमिस्ट से पूछा, एक बात बताइए, इतना पैसा है सरकार के पास, 5 करोड़ लोगों को 3,60,000 रुपए दिया जा सकता है, तो इस पैसे का नरेंद्र मोदी ने क्या किया? ठीक है 15 लाख नहीं दिए, ठीक है 3,60,000 नहीं देना चाहता, उसने 1 लाख भी नहीं दिया। मैंने पूछा ये पैसा कहां गया, लिस्ट दी मुझे, राहुल जी 5,55,000 करोड़ रुपए पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के सबसे 15 अमीर लोगों का कर्जा माफ किया। राहुल जी नहीं खत्म करने दो, राहुल जी अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए, नीरव मोदी 33,000 करोड़ रुपए, मतलब नीरव मोदी को साल का मनरेगा का पैसा, अनिल अंबानी को मनरेगा से ज्यादा पैसा, मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए, लिस्ट बनाई, लाखों करोड़ रुपए आपका पैसा इस चौकीदार ने इन चोरों को दिया है। आज आप उसके भाषण सुनिए, चौकीदार के भाषण सुनिए, पहले कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालूंगा, सही दाम मिलेगा, कर्जा माफ होगा, आज इनके भाषण सुनिए, रोजगार की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं बोलते, किसानों को सही दाम देने की बात करते हैं, कर्जा माफी की बात करते हैं, क्या हो गया भैया? आपने देखा होगा आजकल, देखना टीवी पे आएगा देखना, आजकल नरेंद्र मोदी जी के सामने 2 शीशे लगते हैं, आईने लगते हैं, देखे आपने, देखे ना टेलीप्रॉम्प्टर वाले कंट्रोलर उनसे कहता है मोदी जी आज ये कहना है, उस पर लिख के लिखा आता है, मोदी जी कहते हैं कंट्रोलर ने कहा है भ्रष्टाचार की बात मत करना, राहुल गांधी राफेल की बात करेगा, कंट्रोलर कहता है समझौता की बात मत करना, राहुल गांधी 3,60,000 रुपए दे रहा है, किसानों के कर्जे की बात पर माफ मत करना, उधर कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ में कर्जा माफ कर दिया है, मोदी जी ध्यान से बोलिए, आप किसानों की बात नहीं कर सकते, आप छोटे दुकानदारों की बात नहीं कर सकते क्योंकि आपने नोटबंदी की, आप नोट की बात नहीं कर सकते क्योंकि आपने
युवाओं को रोजगार नहीं दिया। मोदी जी ध्यान से बोलिए, और मोदी जी न किसान की बात करेंगे, न बेरोजगार की, न 15 लाख की, न युवाओं के रोजगार की। मैं नरेंद्र मोदी जी को समझ गया हूं, समझ गया हूं। एक दिन पार्लियामेंट हाउस में मैंने भाषण किया राफेल पे, और मैंने नरेंद्र मोदी जी से 4 सवाल पूछे। नरेंद्र मोदी जी, आपने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए क्यों दिया? उसने हवाई जहाज कभी नहीं बनाया। एक चेहल 70 साल से 100 साल के एयरपोर्ट के लिए हवाई जहाज बना दिए। आपने एक जहाज से कॉन्ट्रैक्ट क्यों छीना? आपने फ्रांस के राष्ट्रपति को क्यों बोला कि हवाई जहाज को 536 करोड़ रुपए के लिए नहीं खरीदा जाना चाहिए, 1600 करोड़ रुपए के लिए केवल खरीदा जाना चाहिए? आपने फ्रांस के राष्ट्रपति को क्यों बोला कि अनिल अंबानी को वो कॉन्ट्रैक्ट दे? 4 सवाल, 1.5 घंटा बोले प्रधानमंत्री जी। उस दिन टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था। भाई और बहनों, 1.5 घंटा का भाषण, 4 सवालों को जवाब नहीं दिया, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और भाषण देते हुए 56 इंच की छाती, कभी यूं देखे, कभी यूं देखे, कभी यूं देखे, यूं देखे। आपके नाम नहीं करा पाया चौकीदार, मैं आपके नहीं, मैं अपने आप की बात नहीं कर रहा हूं। हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ में हाथ चौकीदार नहीं मिला पाया, क्योंकि चौकीदार यह है किसान। और आज पर आज वही चौकीदार, वही चौकीदार टेलीप्रॉम्प्टर पे अपनी स्पीच पढ़ता है। कंट्रोलर पीछे से कहता है, मोदी जी आज हमें रोजगार की बात नहीं करनी, मोदी जी आज किसानों की बात गलती से भी मत कर देना, मोदी जी बेरोजगार बेरोजगार युवाओं की बात मत करना गलती से भी, मोदी जी ध्यान से बोलना। हिंदुस्तान जाग गया है, हिंदुस्तान समझ गया है कि चौकीदार यह सच्चाई। अब देखिए, मोदी जी ने क्या किया मैंने आपको बताया, अब उसको छोड़िए। अब मैं आपको बताता हूं कांग्रेस पार्टी आपके लिए क्या करेगी। 2-3 चीजें ऐतिहासिक, न्याय योजना का तो बता दिया, 72,000 रुपए बैंक अकाउंट में हटा, हर महीने, हर साल 5 साल, जब तक आपकी आमदनी 12,000 रुपए से ज्यादा महीने की नहीं हो तब तक आपके बैंक अकाउंट में खटाखट न्याय योजना का पैसा है। पहले 100 दिन का मनरेगा करते थे, यहां फायदा होता था, अब 150 दिन का मनरेगा होगा। मनरेगा का पैसा मिलेगा, मनरेगा का पैसा मिलेगा, मगर अगर 12,000 रुपए प्रति महीने से कम आमदनी है तो न्याय योजना का भी पैसा खटाखट आपके बैंक अकाउंट में आएगा। चलो अब युवाओं की बात करते हैं, अब युवाओं की बात करते हैं, क्योंकि यहां बहुत युवा है और चौकीदार ने आपसे चोरी की, आपके पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। कैसे मारी बताता हूं। 8 बजे रात को, 12 बजे जीएसटी थी, 8 बजे नोटबंदी, 8 बजे रात को पता नहीं क्या हुआ चौकीदार जी के दिमाग में, पता नहीं क्या हुआ, कहते हैं मित्रों 500 रुपए 1,000 रुपए का नोट मैं रद्दी कर रहा हूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, गांधी जी का फोटो है इस पे, मुझे अच्छी नहीं लगी, इसको मैं रद्दी कर रहा हूं। अच्छा, कुछ दिन पहले सुल्तानपुर में मीटिंग थी, 12 साल का लड़का था, मैंने उससे पूछा, भैया मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मीटिंग के सामने मैंने उससे पूछा, भैया एक सवाल पूछना चाहता हूं, इधर आओ, एज क्या है तुम्हारी? 12 साल। अच्छा एक बात बताओ, अगर 500 रुपए और 1,000 रुपए का नोट रद्दी कर दिया जाए तो देश को फायदा होगा या नुकसान? 12 साल का लड़का कहता है नुकसान होगा, मगर देश के प्रधानमंत्री को यह बात नहीं समझ आई। नोटबंदी के गब्बर सिंह टैक्स लागू किया और आपके जेब में से पैसा निकाला, जो हमारी माताएं बहनें आई हैं आपके जेब, आपके घर से पैसा निकाला, आपके जेब से निकाला। कितना पैसा निकाला आपके जेब से? जो आपने बचाया था वो निकाल के नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी मेहुल चौकसी को दिया। जैसे ही आपके जेब में से पैसा निकला,
आपने माल खरीदना बंद किया, जैसे ही आपने माल खरीदना बंद किया हिंदुस्तान की फैक्ट्री ने बनाना बंद किया, जैसे हिंदुस्तान की फैक्ट्री ने माल बनाना बंद किया, मालिकों ने कहा कि जो युवा फैक्ट्री में रोजगार काम कर रहे थे उनसे कहा कि भैया घर चले जाइए, आपकी कोई जरूरत नहीं। बेरोजगारी शुरू हो गई, 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आ। अब न्याय योजना डायरेक्ट पैसा बैंक अकाउंट में डालेगी, जैसे ही न्याय योजना का पैसा बैंक अकाउंट में जाएगा वैसे ही आप लोग माल खरीदना शुरू करोगे। कोई टी शर्ट खरीदेगा, पैंट शर्ट, आप सिर हिला रहे हैं, आप शायद मोबाइल फोन खरीदे पता नहीं, और जैसे ही आप खरीदोगे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां माल बनाना शुरू करेंगी, जैसे ही माल बनाना शुरू करेंगी हिंदुस्तान के फैक्ट्री अपने दरवाजे युवाओं के लिए खोलेंगी, कहेंगी भैया रोजगार की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, आइए फैक्ट्रियां चालू हो गई है, रोजगार पैदा हो जाएगा। यह कांग्रेस पार्टी का कमाल, टंडन जी का कमाल। तो न्याय योजना दुकानदारों के जेब में पैसा डालेगी, गरीबों के जेब में पैसा डालेगी और पूरे देश में लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार देगी। एक योजना गरीबों का फायदा करेगी और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करेगी। जैसे ट्रैक्टर के इंजन में फ्यूल डाला जाता है, गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है, वैसे ही न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल है। और जैसे ही न्याय योजना का पैसा अंदर जाएगा हम चाबी घुमाएंगे धड़ाक से और यहां लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। पहला काम, मार्ग यहां नहीं रुकने वाले। देखिए युवाओं ने बहुत कहा है, हम यहां नहीं रुकने वाले, ये शुरुआत है भाइयों और बहनों। दूसरा काम, नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात, झूठी बोलूंगा, सच्चाई आपके सामने, 22 लाख युवाओं को, 22 लाख सरकारी नौकरियां आज खाली पड़ी हैं, 22 लाख। मैंने पता लगाया है एक साल के अंदर कांग्रेस पार्टी 22 लाख युवाओं को वो नौकरियां दे देगी, सरकारी नौकरियां। 10 साल युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, कांग्रेस पार्टी 10 साल युवाओं को पंचायतों में रोजगार दे देगी। 2 करोड़ नहीं बोलूंगा भाइयों और बहनों, 22 लाख और 10 लाख बोलूंगा, करके दिखा दूंगा, सच्चाई सुननी है यहां, सच्चाई सुनिए यहां। अच्छा, यहां आखिरी बात युवाओं के लिए, यहां का युवा बिजनेस चालू करना चाहता है, खोलना चाहता है, छोटा धंधा चलाना चाहता है, कोई मोबाइल फोन की दुकान, कोई शर्ट पैंट बेचने की दुकान, मगर जब भी आप बिजनेस चालू करना चाहते हो आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। एक डिपार्टमेंट में जाओ परमिशन मांगो, कहते भैया योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, पहले रिश्वत दो फिर परमिशन मिलेगी। अगले डिपार्टमेंट में जाते हो वही बात, अच्छा भैया उस डिपार्टमेंट में आपने परमिशन ली, चलो ये दूसरा डिपार्टमेंट है इसमें रिश्वत दो। 10-15 डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, हर डिपार्टमेंट में रिश्वत देनी पड़ती है, पूरा पैसा पहले ही खत्म हो जाता है, बिजनेस चालू नहीं होता। तो हमने निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश का कोई भी युवा, देश का कोई भी युवा बिजनेस चालू करना चाहता है, आपको किसी से किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं, खत्म। आप तीन साल अपना बिजनेस चलाओ, जब आपका बिजनेस प्रमुख होगा और आपके लिए 30-40 लोग काम करेंगे तब आप जाओ 3 साल बाद सरकार से परमिशन ले लेना, 3 साल के लिए आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। और अगर आपका बिजनेस नहीं चला, अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, 3 साल बाद आप परमिशन लो। किसानों के लिए 2 चीजें, एक पहले नेशनल बजट हुआ करता था, किसानों ने हमें कहा देखिए नेशनल बजट होता है
आप किसानों का भी एक बजट बनाइए, किसानों को पहले ही साल की शुरुआत में बता दीजिए उनके लिए क्या किया जाएगा। 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, दो बजट पेश होंगे, एक नेशनल बजट और दूसरा हिंदुस्तान के किसान का बजट। उसमें एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, कर्जा कितना माफ होगा, क्या काम मिलेगा, कहां फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे, कहां स्टोरेज फैसिलिटी लगाई जाएगी, पूरा साल की शुरुआत में आपको बता दिया जाएगा।